विश्व कप फाइनल के बाद साइमन टेफल ने अपना बयान दिया है। टेफल क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ अंपायरों में शुमार हैं और सर्वाधिक बार आईसीसी एलीट पैनल के बेस्ट अंपायर भी रहे हैं। उनके मुताबिक मार्टिन गप्टिल के ओवर थ्रो पर अंपायर कुमार धर्मसेना ने इंग्लैंड को एक रन ज्यादा दिए। उन्होंने सिर्फ 6 की जगह 5 ही रन देने चाहिए थे। ये घटना इंग्लैंड की पारी के आखिरी ओवर में घटी, जब बेन स्टॉक्स ने ट्रेंट बोल्ट की गेंद को मिड विकेट की ओर खेला और 2 रन के लिए भागे। गप्टिल ने बॉल गैदर करने के बाद स्ट्राइकर एंड की ओर थ्रो किया। बेन स्टॉक्स क्रीज पर पहुंचने के लिए ड्राइव लगा रहे थे, तभी गप्टिल का थ्रो सीधा आकर उनके बल्ले पर गिरा और शॉर्ट फाइन लेग की ओर 4 रन के लिए चला गया। अंपायर कुमार धर्मसेना ने इस गेंद पर ओवर थ्रो के साथ ही 2 रन जोड़कर कुल 6 रन इंग्लैंड के खाते में डाल दिए। इस फैसले पर साइमन टेफल ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये बड़ी गलती है, धर्मसेना ने गलत फैसला किया है। दरअसल इस मामले पर नियम क्या कहता है वो आपको बता दें। 50वें ओवर की 4th गेंद पर जब गप्टिल ने थ्रो फेंका था, तब स्टॉक्स और रशीद 1 रन पूरा कर चुके थे। हालांकि जब थ्रो फेंका गया तब वे 2 रन के लिए एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाए थे। थ्रो पहुंचने से पहले स्टॉक्स क्रीज में पहुंच चुके थे, लेकिन तभी गेंद उनके बल्ले से लगकर बाउंड्री तक चली गई थी। टेफल के मुताबिक ऐसी स्थिति में उन्हें केवल 5 रन मिलने चाहिए थे, ना कि 6 रन। लेकिन धर्मसेना ने वहां जल्दबाजी में एक गलती कर दी और उसी गलती की वजह से न्यूजीलैंड विश्व कप हार गया। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।